बहुत ही आसान पर बहुत ही कम समय में बनने वाली मैं इंडियन थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनेगी सिर्फ 40 और 45 मिनट में, और ये नॉर्थ इंडियन थाली है। तो चलिए हम फटाफट बनाने चलते हैं। उसके लिए आज हम बना रहे हैं पकौड़ा कढ़ी। तो हम पकौड़े कढ़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, और जो भी आपके पास नॉर्मल बेसन हो वो एक बाउल पर डाल दें। थोड़ा सा आप हींग पाउडर डालें और थोड़ा सा ही आप इसमें नमक डालें स्वाद अनुसार। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छा फ्लेवर देता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। हमें बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, तो थोड़ा ही डालेंगे। और ये देखिए हमारी क्वांटिटी है, आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम धीरे धीरे करके इसमें पानी डालते जाएंगे और अच्छे से फेंटते जाएंगे इसे। और बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, बहुत पतला भी नहीं करना है। और मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, क्योंकि पानी आप ऐसे नाप के नहीं डाल सकते, आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। और ये अभी इस तरीके से हम बराबर से इसको फेंट देंगे। 5 से 7 मिनट इसको फेंटने में लगेगा। और ये देखिए जब फिट जाए तो आप, पता है आपको कैसे चेक करना है, पानी का भरा हुआ एक बर्तन लें, उसमें थोड़ा सा ये बैटर डाल के देखें, और यदि ये ऊपर को तैरने लगे, नीचे बैठे नहीं तली में, तो समझ लीजिए आपका बेसन फिट गया है। और इससे हम बनाएंगे पकौड़े। तो हमारा बेसन अच्छे से फिटना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये तो फेंट लिया है, बाकी हमें इसमें सोडा वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। और चलिए हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पे चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई पे मैं वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है, और ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। और जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, और हम अपने पकौड़े इस तरीके से धीरे धीरे करके इसमें चुवाएंगे। और हमें ध्यान देना है हमारी कढ़ाई का जो ऑयल है वो बिल्कुल भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना आपके पकौड़े सॉफ्ट नहीं बनेंगे। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि आप बिल्कुल भरी कढ़ाई में आप इस तरीके से पकौड़े ना बनाएं, तो ये कढ़ी के लिए फिर बहुत अच्छा रहता है। अच्छे से बिल्कुल जब कढ़ी में डलता है तो समझ लीजिए बिल्कुल घुल सा जाता है, टाइट टाइट पकौड़े कढ़ी में अच्छे नहीं लगते हैं। इस तरीके से हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको सेक लेंगे, क्योंकि पहले ही कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी। और पकौड़े भी आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितने चाहिए हैं, और इसी से ही हम कढ़ी बनाएंगे और इसी से पकौड़े बनाएंगे। तो आप ये ध्यान दें कि हमें आधे से ज़्यादा बैटर का पकौड़ा बना लेना है, और बहुत ही कम हम बचा कर रखेंगे जिससे हम कढ़ी बनाएंगे। और ये देखिए पकौड़े हमारे कितने सॉफ्ट हैं, इसे अब हम साइड में रख देंगे, और ये जो कढ़ाई है इसे भी हम साइड में रख देंगे ठंडा हो जाए जब तक इसका ऑयल, क्योंकि हम इसी कढ़ाई पर बनाएंगे। तो अब हम बना लेते हैं घोल। तो जिसके लिए हमने 500 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है, और यदि मट्ठा मिलता है तो बहुत अच्छा है। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा ये लिक्विड भी था इसमें, थोड़ा मैंने इसमें मिला दिया था। हमारे यहाँ मट्ठा मिलता है तो मैंने आधा मट्ठा और आधा दही लिया है, लेकिन आप 500 ml आप इसमें दही लेंगे, है ना। दही आपकी फ्रेश ही होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। और यदि मट्ठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और मट्ठा अगर आप लें तो बिल्कुल ताज़ा मट्ठा होना चाहिए जैसे आज ही बनाया है, क्योंकि खट्टे मट्ठे में आपको पानी बहुत ज़्यादा इसमें मिलाना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने घोलते हुए उसी से अपना जो मेरा बॉक्स था दही का, मैंने उसमें पानी निकाल लिया है, उससे भी उसको अच्छे से क्लीन करके वो भी पानी डाल दिया है। और जी और भी मैं पानी डालती जा रही हूँ। और आप ये देखिए कि आपकी अगर 500 ml आपका दही है तो आपको उससे जस्ट डबल पानी डालना है उसमें। और ये देखिए हमने एक घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब उसी कढ़ाई पर हम थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हींग डाल देंगे, और हम अपना राई डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा मेथी दाना डाल देंगे, और हम डालेंगे करी लीव्स। और ये देखिए ये लाल मिर्च मैंने ली है, इसको भी मैं ऐसे तोड़कर इसमें डाले दे रही हूँ। जैसे इसको ये हम इसको फिर कड़काएंगे, और ये जैसे ही कड़क जाएंगे तो हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये लीजिए, तो अब मैं 1 teaspoon इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अब मैंने गैस को धीमा कर दिया है जिससे मेरा हल्दी पाउडर ये जले नहीं, और अब हम इसमें अपना बैटर पल्ट डाल देंगे। ये देखिए जो लिक्विड हमने बनाया था अब इसमें हम पूरा डाल देंगे, और कंटिन्यू इसको चलाएंगे, और थोड़ा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे, कि मैंने बोला ना कि पानी हमें जस्ट डबल से ट्रिपल चाहिए। समझ लीजिए अगर आपने एक हिस्सा दही लिया है
तो आपको दो हिस्से एक्स्ट्रा पानी इसमें डालना होगा। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है, तो हम इसमें पानी और मिलाएंगे और इसे हम बराबर से चलाएंगे जब तक ये फदकने नहीं लगेगा। और ये देखिए पानी इस तरीके से हमने मिला दिया है और अब हम गैस को तेज कर लेंगे और कंटिन्यू चलाएंगे, वरना नीचे कढ़ाई में ये बैठ जाएगा। इस वजह से जब तक ये खौलने ना लगे ना, तो इसे हमें कंटिन्यू चलाना है। और एक बार इसमें खौल आ जाएगी तो हम इसमें नमक मिला देंगे स्वाद अनुसार और इसे एक बार चला कर फिर छोड़ देंगे, तो ये 5 से 10 मिनट तक अच्छे से ये फदक जाएगी। और जब तक ये फदक रही है 5-10 मिनट तक, तो हम तब तक अपनी सब्जी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 तरोई, 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ तरोई की सिंपल सी बिना प्याज लहसुन की सब्जी। तो इसे भी हम अच्छे से साफ करके कट कर लेंगे। और ये लीजिए हमारी सब्जी कट हो गई है। इधर हम देख लेते हैं हमारी कढ़ी भी अच्छे से फदक गई है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये थोड़ा से अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं इसमें मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। और पकौड़े भी हमें इसमें पलट देने हैं, बट पकौड़े में थोड़े से हाथ से दबा कर ऐसे कर कर इसमें डालने हैं। इससे क्या होगा, हमारे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। सॉफ्ट ऑलरेडी हैं, बट आप इस तरीके से करते हैं ये एक अच्छी ट्रिक है, तो थोड़ा सा और भी अच्छे से इसकी ये जो होती है ना कढ़ी की ये जो ग्रेवी, वो अच्छे से ये पी लेंगे। और इसको हम अच्छे से चला लेंगे, 2 से 3 मिनट ही चलाएंगे। और देखिए लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ही हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, है ना। और हम अपना गैस बंद कर देंगे और अब ढाँक कर इसको साइड पर रख देंगे जैसे थोड़ा सा ये ठंडी हो जाए। इसके बाद ही हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे सर्विंग बाउल पे। तो यहाँ हम अपनी सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1/2 टीस्पून के तकरीबन ऑयल डाला है, बहुत ही कम डाला है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। और हम थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, और साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्च जो हमने कट करी थी। और जैसे ये कड़क जाएंगे वैसे ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून के तकरीबन हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और अपनी सब्जी को पलट दे रही हूँ। और फिर इसके बाद हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर ढक कर रख देंगे। और जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक हम अपने चावल की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने 1 कप चावल लिया है और उसको हम अच्छे से साफ पानी से 5 से 7 बार रगड़ रगड़ कर धुल लेंगे। और इस तरीके से अगर हम करते हैं ना काम, तो हमारा खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी हमारी जितनी देर में 5 ही मिनट लगने उसको पकने में, और 5 मिनट में हमारी इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 1 कप हम चावल में, हम 1.5 कप इसमें पानी डाल रहे हैं और 1 टीस्पून हम इसमें घी डाल रहे हैं। घी डालने से क्या होगा, चावल हमारा एक एक करके बनेगा और बहुत ही अच्छा खुशबू देगा। और ये देखिए मैंने पानी एकदम गर्म खौलता हुआ डाला है और हमने ढककर रख दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और इधर हम सब्ज़ी अपनी देख लेते हैं। सब्ज़ी हमारी लगभग पककर रेडी हो गई है, तो हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर डालेंगे। मैं 1 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़े से हम अपने मसाले डाल देंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली पाउडर और इसी तरीके से थोड़ा सा गर्म मसाला, और थोड़ा सा ही हम इसमें नींबू डाल देंगे। और ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, पर हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढककर और पकाना है। तो मैं उसको पीछे वाली गैस पर रख दे रही हूँ और यहाँ मैं अपने चावल को बनने को रख दे रही हूँ। और ये देखिए हमारे चावल भी अब इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप काम करते हैं ना, तो काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। और 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो हमारी सब्जी पक गई है, क्योंकि ये तरोई बहुत सॉफ्ट होती है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और सर्विंग बाउल पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट की सब्जी हमारी रेडी हो गई है। और थोड़ा सा ही हम इसमें हरे धनिया की गार्निशिंग करेंगे। इसी तरीके से हम अपनी कढ़ी को भी सर्विंग बाउल पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें प्रिपरेशन भी तो करनी है खाना परोसने की, और थोड़ा सा हम गार्निशिंग करेंगे धनिया से, थोड़ा सा ही हम इसमें चिली पाउडर डालेंगे। और कढ़ी को आपको लास्ट में फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ लगता है कढ़ी में, जिस जिस चीज़ से फ्राई होती है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें स्टार्टिंग में डाल दी है। इसका फ्लेवर, सारा फ्लेवर इसमें आ चुका है अच्छे से, कढ़ी में हमारे जबरदस्त स्वाद आया है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा बघार लगाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, नॉर्थ में कढ़ी ऐसे ही बनती है। और यहाँ देखिए हमारे राइस भी बन गए हैं, तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और यहाँ मैंने लगा लिया है आटा। तो अब हम चलते हैं चपाती बनाने। आटा भी हमने थोड़ी देर पहले ही लगाया था, जब तक हमारे राइस पके थे तो मैंने आटा लगा लिया था इस तरीके से। अब हम इसकी रोटियां बना लेंगे। इसके लिए हम छोटे छोटे बॉल रेडी करेंगे, पेड़े बना लेंगे और इस तरीके से हम आटे की डस से इसको बेलेंगे। और ये हमने देखिए इस तरीके से हमें बेल रहे हैं,
और वहाँ मैंने गैस पे अपना तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। गर्म तवे पे ही रोटी को हमको डालना है। और ये देखिए मैंने मीडियम से थोड़ा सा हाई हमने करा है इसको, गैस को, जिससे हमारी रोटी अच्छे से पक जाए, क्योंकि ऊपर भी अगर अच्छे से नहीं पकेगी तो रोटी हमारी ख़राब हो जाएगी। और हमें दोनों साइड पलट कर इसको सेक लेना है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम इसको बाकी की रोटी हम इसमें फ्लेम में सेकेंगे। और ये लीजिए हमारी रोटी, देखिए कितनी अच्छे से फूल के आ रही है। रोटियां भी हमारी लगभग तैयार हो गई हैं। तो हुआ ना कितनी जल्दी और कितने फटाफट हमारा खाना रेडी। तो ये हमारी रोटियां भी बनकर रेडी हो गई हैं। इसी तरीके से हम अपनी सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। तो चलिए खाना हमारा बन गया है, तो अब हम परोसने चलते हैं। तो ये लीजिए, देखा ना कितनी स्वादिष्ट थाली बनकर तैयार हुई है और मिनटों में बनी है। और हाँ, कढ़ी के संग, क्योंकि हम लोग खट्टा दही नहीं खाते तो रायते की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो दही तो ऐड करेंगे थाली पर हम उसको डिफरेंट टाइप से बनाएंगे, कुछ टेस्टी और हेल्दी तरीके से। तो मैंने 5 से 6 चम्मच दही लिया है, जिसमें थोड़ी सी किशमिश डाली है और थोड़े से मखाने डाले हैं। और इससे क्या होगा कि हमें शुगर भी उस पर ऐड नहीं करना है और दही हमारा स्वीट दही बनकर रेडी हो गया है। देखिए ये जो लड्डू है ना, ये भी मैंने बनाए हैं और इसकी रेसिपी भी हमारे यूट्यूब में है, तो प्लीज़ आप अगर चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने अपनी थाली पूरी सजा ली है और विद सलाद के संग। तो यदि मेरी रेसिपी, मेरा तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।